विधानसभा अतरौली में उपचुनाव को लेकर काफी दिलचस्प रहा, जहां पर उमा सिंह की पुत्रवधू पत्नी विक्रम सिंह उपचुनाव में उतरी, अपनी सास के चरण छूकर आशीर्वाद लिया था, उसी हिसाब से चुनाव जीत लिया। बताते चले कि वहीं पर थाना अतरौली के एसपी उपाध्याय, उन्होंने कहा शांति व्यवस्था हर व्यक्ति का उद्देश्य है जो कि सभी लोग बना के रखा, जिन्होंने दीपा सिंह प्रधान प्रत्याशी को आशीर्वाद देकर घर को विदा किया। वहीं पर उमा सिंह ने अपने पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया, जहां पर बड़े भैया भी पहुंचकर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया। बताते चले क्षेत्र की सारी जनता खुशी के मारे रोने लगी। वहीं पर सीओ संडीला पहुंचकर देख रहे की, जहां पर देखा जाए जनता को संबोधित करते हुए उमा सिंह ने पूर्व प्रधान अपनी पत्नी का बहुत बड़ा शोक प्रकट किया, जहां पर उमा सिंह के बड़े भैया की आंखों से आंसू नहीं रुके। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग गांव जब जाएंगे तो गांव में शांति बनाए रखेंगे, किसी से और जिस व्यक्तियों ने कैंडिडेट लड़े कैंडिडेट बात नहीं करते। इस चुनाव में मेरी खुला खिलाफत की है, वो मुझसे कोई याचना न रखे। हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, कोई पैर नहीं है, लेकिन हमसे कोई उम्मीद न रखे, ना हम उनसे उम्मीद रखेंगे। हम अगर अगला चुनाव लड़ेंगे या हमारे भाई बंधु कोई लड़ेंगे तो हम उनके यहाँ वोट मांगने जाएंगे, बाकी कोई लड़ाई नहीं। ये मोहर जो दीपा सिंह को मिली है, ये दोस्त भी आएगा तो लगेगी, दुश्मन भी आएगा लगेगी, ये जनता की मोहर है। हम जिस दिन चुनाव खत्म हो गई, प्रधान चुना गया, सदस्य भी मेरे तो एक यहाँ दो तीन बैठे हैं, जिस लोगों को सदस्य चुना गया मैंने मोहर सारी उनको दे दी। उन्होंने कहा अपने पास रखो, बना हम रामनाथ नहीं बने, ये मोहर तुम्हारी है, स्वयं तुम लगाओ, हमारी इमरजेंसी पड़ेगी हम खुद लगा लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, सब लोग हिल मिल के रहो और काम मुझसे कहो, मेरे भाई कहो, मैं नहीं होता हूँ, मेरे भाई काम करते हैं, मेरे छोटे या बड़े जो भी भाई घर में हैं, भतीजा भी है, सब लोग काम करते हैं, काम करने में गलती भी हो सकती है, गलती को हमको बताया जाए, हम उसका समाधान करेंगे और गांव-गांव हम आएंगे, गांव-गांव मिलेंगे, उन्हीं लोगों से मिलाइए, कुछ काम ये गलत मत करिए जिन लोगों ने हमारा विरोध किया है, वही आदमी लाते हैं जो मेरे साथ होते हैं, तब हम मजबूर हो जाते हैं, तब मेरी मजबूरी रहती है। हाँ, लड़ाई हम कल तक दबते रहे, आज से नहीं दबेंगे, चाहे जो हो, जैसी वो लड़ाई लड़ेगा उस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं, कोई कहीं डर मेरे आदमी को परेशान करेगा, हम सहयोग पहले शासन प्रशासन से लेंगे, वहाँ से नहीं मिलेगा तो हम स्वयं अपनी ताकत को लगाएंगे। हमारा कहने की यही तात्पर्य है। सहयोग है, कितने मतों से जिताया आप ये सोचे, ये एक ऐतिहासिक जीत है, ये ऐसा आपने हवन कुंड में हवन डाल दिया कि मतलब ऐतिहासिक जीत है। तो मैं सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूँ जो दूर दूर से आए हैं, और प्रसाद जिन लोगों को न मिला हो ले लें, प्रयास हम भाइयों से मिलके ये करेंगे कि सब लोगों के यहाँ दरवाजे पे एक दिन बुलाएं, और जो भी हमारे पास हमसे सदैव का प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करना पड़ेगा, तो हम जल्दी में हाथ भी दें, हम भी दें। विकास सिंह उमा सिंह कहते हैं, जिला पंचायत सदस्य जी, भराओ न तरह जी। सर, आप जो आज का उपचुनाव जीते हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में हम ये कहना चाहेंगे, ये चुनाव स्वर्गीय रामोती का चुनाव था जी, जनता ने उसी आक्रोश में आके उनके जो बता दो हमारे समझ के इतने भारी बहुमतों से जिताया, धन्यवाद जनता को मैं देता हूँ, बधाई के पात्र हैं, जो उनकी आशाएं हैं वो एक साल में हम पूरी करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, कर्मचारियों से मिलेंगे, सारी उनकी समस्याओं का हल करेंगे, और ये मेहनत का नतीजा है। रामोती सिंह सन 2000 में प्रधान बनी, उसके पहले में BDC सदस्य बनी। सर, किस डेट में उनके साथ में ऐसा हुआ? 23/1/2019 में उनकी मृत्यु हो गई जी। उसके बाद में हमारे यहाँ सदस्य प्रधान चुना गया, कार्यकाल बढ़िया चलता रहा, लोगों से मैंने कहा भी कि ये चुनाव उन्हीं के नाम का है, लेकिन दो प्रत्याशी बराबर लड़े, लड़ने के बाद वो चुनाव में भारी मतों से हारे, जो उम्मीद नहीं थी हारने वो हारे। तो हमारा सहयोग जनता के साथ रहेगा, हम जनता से पूरा प्रयास करेंगे, उनकी आशाओं को हम पूरा करेंगे।
यही हमारा लक्ष्य होगा चुनाव का। और चुनाव में हमारी तन मन धन जो भी शरीर है सेवा करेंगे, हर गरीब भाई की मदद करेंगे, उनकी आकांक्षाओं पर पूरा खरा उतरेंगे। हमारे सदस्य खड़े हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, सारे गरीब लोगों ने मेहनत की, सारी बिरादरियों ने मेहनत की, उसका नतीजा ये है। हमारी ग्राम सभा ब्राह्मण बाहुल्य ग्राम सभा है, लेकिन ब्राह्मण ही मेरे सहयोगी जिनके साथ उन्होंने अभद्रता के व्यवहार किया, अपने आप खुद ही बयान दिया। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा। सर इसके आज के उपचुनाव के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो मतलब इसमें दीपा सिंह जीती हैं उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि आज जो है, आज जो जातिगत राजनीति नहीं है, जो लोग जातिगत राजनीति को बढ़ावा देते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इंसानियत, जिस व्यक्ति में इंसानियत हो उसको चुनाव में जिताएं, और वही समाज का उद्धार कर सकता है ऐसे व्यक्ति को। और जो हमारे ओम प्रकाश सिंह हैं, जो सदस्य हैं जिला पंचायत के, वो रात दिन पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, और जितनी भी हमारे ग्राम सभा में या उनके दायरे में जितने लोग आते हैं उनके अंतिम संस्कार में। इस समय हम खड़े हैं ब्लॉक भरावन के प्रांगण में, और मिलते हैं थाना अतरौली कोतवाल साहब से, जिन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव को निपटाया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे थाना अतरौली के ग्राम अतरौली में ग्राम प्रधान का पद रिक्त था, जिसका उपचुनाव हुआ था, इसमें परसों 6 तारीख को इलेक्शन हुआ था, काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इलेक्शन संपन्न हुआ। आज उसकी मतगणना थी, मतगणना भी बिल्कुल निष्पक्ष और शांति तरीके से निपट कर, इसमें दीपा सिंह पत्नी विक्रम सिंह जी विजयी थी, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना या अप्रिय कोई समाचार नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद, आप लोग भी बराबर इसमें सहयोग देते रहे, प्रत्याशियों का सहयोग रहा। टीवी 1 इंडिया न्यूज़ के लिए RK सिंह के साथ परीक्षित सिंह की रिपोर्ट, अतरौली हरदोई।